इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होते होते कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट ने सभी को चिंता में डाल दिया है। तीसरी लहर के कहर से लोगों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की लगातार हो रही कमी पर कोई ध्यान दे इससे पहले सियासी घमासान जरूर छिड़ गया है। वैक्सीन की किल्लत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने आमने सामने आ चुके हैं। बता दें कि जनता परेशान है और इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ हाल है। कोरोना की दूसरी लहर ने मौत का जो तांडव किया उसे सभी ने देखा। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई कि डेल्टा वेरिएंट ने सभी को परेशान कर दिया है। ऐसे में सभी अपने आप को सुरक्षित रखने वैक्सीन का कवच लगवाना चाहते हैं, लेकिन आए दिन हो रही वैक्सीन की किल्लत से लोग परेशान हैं, तो स्वास्थ्य महकमा भी खासा चिंतित है। सोमवार को बिलासपुर में वैक्सीन की डोज खत्म हो गई और सेंटर्स में ताला लग गया। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा कोरे दावों के बीच वैक्सीन की नई खेप आने का इंतजार कर रहा है। वर्तमान में सिर्फ जो अभी हमारे दो दिन पहले जो 20,000 वैक्सीन जो है कोविशील्ड आई थी उसी के साथ में रन किया था, और उसमें भी सारे सेंटर जो हैं रूलर वाले जो हैं उनको जो वैक्सीनेशन दिया था वो तो समाप्त कर लिए थे अर्बन का भी। आज के दिन में 480 डोज जो आपके अर्बन क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सिम्स जो है ये दो स्थान पर ही थे और यहीं पर रन कर रहे हैं। उसके अलावा तो अभी वैक्सीन नहीं है, सिर्फ दो ही सेंटर में जितनी थी उतनी, बाकी जहाँ तो बता दिया कि बाकी सेंटर्स में तो था नहीं, इसलिए कल से ही वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम बंद है। वैक्सीन की किल्लत को लेकर जहाँ स्वास्थ्य महकमा आपूर्ति को सुचारू करने माथापच्ची कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी को वैक्सीन की किल्लत पर जुबानी तीर चलाने का मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष वैक्सीन की किल्लत की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन के काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रही, इसलिए इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष दावा कर रहे हैं कि केंद्र से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। उधर नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि डोज खत्म होने का साफ मतलब है कि सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है। केंद्र और बीजेपी के नेता सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही। देखिए, वैक्सीन की सप्लाई मैं जहां तक समझता हूं कि लगातार केंद्र सरकार के द्वारा पूरे प्रदेशों में की जा रही है निःशुल्क, और लगातार छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि फ्लाइट के माध्यम से लगातार वैक्सीन आ रही है, और अभी तक जो प्रगति है उसमें मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन की कमी नहीं पड़ेगी, राज्य सरकार के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कमी हो जाएगी। सभी जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल दिए गए हैं, जितनी वैक्सीन आ रही है उतनी वैक्सीन खत्म हो जा रही है, इसका मतलब है कि वैक्सीन लोगों को लग रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार से पूछी कि वो राज्य सरकार को वैक्सीन क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, कोई उसका फ्लो चार्ट बना है क्या, कोई उसका प्रोग्राम बना है कि कब कब वैक्सीन आएगी, किस तरीके से लोगों। भले ही वैक्सीन की किल्लत को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स में जड़े ताले इस बात के सबूत हैं कि वैक्सीन का संकट बरकरार है। ऐसे में जरूरत है कि राजनीतिक दल जुबानी जंग छोड़कर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सार्थक कदम उठाएं। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।